मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर नवंबर में हैं। फिलहाल ठंड खत्म नहीं हुई, लेकिन सियासत ने माहौल पूरी तरह गर्मा दिया है। पक्ष हो या विपक्ष, सबने अपने तरकश में सवालों के तीर सजा लिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व की कांग्रेस सरकार के मुखिया कमलनाथ पर धड़ाधड़ सवालों की बॉल फेंक रहे हैं। मैं अब तक 10 सवाल पूछ चुका हूँ। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया है। इसका अर्थ है कि वो गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं केवल वोट लेने के लिए। तो उसके जवाब में कमलनाथ भी सवाल उछाल रहे हैं। दोनों नेता जब सवालों के जवाब में सवाल की फुटबॉल उछाल रहे हैं, तो जनता बस इंतजार कर रही है कि उनके हितों का गोल कब होगा। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ से पीएम किसान सम्मान निधि में पात्र किसानों की सूची लटकाने का कारण पूछा। कमलनाथ जी, आपने वादा किया था किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत करेंगे, इसके अंतर्गत 1000 रुपया मासिक देंगे, और बाकायदा आपने कहा था कि 60 वर्ष के एवं 2.5 एकड़ से कम भूमि धारक तथा किसी अन्य स्रोत से आय ना होने वाले किसानों को शामिल करेंगे, ये वचन दिया था कि इनको ठगा नहीं कमलनाथ जी आप। तो जवाब में कमलनाथ ने भी एक सवाल दाग दिया। 28 जनवरी से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला जब शिवराज की तरफ से टूटा, तो कमलनाथ ने कटाक्ष किया कि आपकी बुद्धि के कपाट खुल गए। कांग्रेस का ये कहना इसलिए भी है कि 17 साल के मुख्यमंत्री भला 1.5 साल की कांग्रेस सरकार से कैसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन शिवराज हैं कि मानते नहीं, रट लगाए बैठे हैं, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। जनता देख रही है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कोई जवाब दें। वहीं कमलनाथ की हालत कोई शेर से समझ सकते हैं। जी चाहता है फिर कोई तुझसे करूँ सवाल, तेरी नहीं नहीं ने गजब का मजा दिया। इस बीच प्रदेश के मतदाता एक दूसरे का मुंह ताकने पर मजबूर हैं। उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, इसलिए मतदाता भी तैयार है वोट की बॉल उछालने के लिए। जनता आखिर वोटों की बॉल किस पाले में गिराएगी, प्रदेश में कमल खिलाएगी या फिर कमलनाथ?